जेएनयू की जंग जारी ही थी कि इस बीच मैदान में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पहुंच गई। वैसे तो दीपिका सिर्फ 10 मिनट के लिए यूनिवर्सिटी में थी, लेकिन उनकी 10 मिनट की खामोशी काफी कुछ कह गई। हिंसा के बाद सियासत के हॉटस्पॉट बनी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वैसे तो सुर्खियों में थी ही, लेकिन सुर्खियां तब और गर्म हो गई जब जेएनयू की जंग में दीपिका पादुकोण की एंट्री हुई। काली शॉल में छात्रों के बीच खामोश खड़ी दीपिका की ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। जेएनयू में दीपिका खामोश नजर आई, उनके सामने ही इनकलाब के नारे लगे। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार आजादी की मांग करते नजर आए और दीपिका महज खामोश होकर नजारा देखती रही। दीपिका तो कुछ नहीं बोली और नारेबाजी में सबसे आगे खड़ी। अपनी सियासत चमकाने में लगे कन्हैया कुमार उनको देख भी नहीं सके। बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण यहाँ आई। अच्छा, आई थी? आई थी, हम नहीं देख पाए, हम तो नाराज, हम तो अपनी जनता देख रहे थे। कई लोगों का समर्थन है जेएनयू में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें से एक दीपिका पादुकोण भी है। कई लोग हैं यहाँ, क्या कहा उन्होंने, क्या सुना? ना, मेरी बात नहीं हुई। किस तरह की सहयोग की बात उन्होंने की? ना, मेरी बात ही नहीं हुई। हम बात हुए तो हम खुश रहे होते, हम चमक रहे होते। मिले तो आप? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मिले। वो आप उनको उनके पीआरओ टीम से हमको पूछना पड़ेगा। कन्हैया कुमार की तो दीपिका से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन करीब 10 मिनट तक खामोशी के साथ दीपिका की मौजूदगी काफी कुछ कह रही थी। जेएनयू हिंसा पर विरोध का समर्थन और आजादी के नारों के बीच दीपिका की मौजूदगी का असर उनकी आने वाली फिल्म पर भी पड़ रहा है, लेकिन इस मौजूदगी का सियासी असर तो वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।